respiratory disease are increasing in globally in different countries. So among these respiratory disease, asthma is one of the disease that is much more prevalent. So to talk about this disease, I am privileged to introduce two of my consultants, those who handle with different type of patients, so those who are coming to their chambers, and they handle each and every day, handle about the queries they face, they make them understand about the treatment of the patients, and it's very difficult task to do in Delhi. So I would like to introduce Dr. Shaiban Moitro. He's the head of pulmonary department at Chanak Hospital, as well as he's a clinical medical director of allergy asthma treatment center in Gold Park and Mumbai. And apart from that, I would like to introduce Dr. Sanyukt Dey. She's a clinical director of pediatric department of PLS Hospital. And sir and madam, the rest is handed over to you. And throughout the session, I am expecting कि ये क्या चीज़ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वर्ल्ड एस्मा डे के लिए अवेयरनेस के लिए किया गया है और ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है ताकि आगे चलकर हम एस्मा को रोक पाए। ओके, यहाँ पे एस्थमा को लेके जो आप लोगों ने मीन्स मशीन्स और वट एवर द इनहेलर्स इज देयर, सो वो उससे कितना साइड इफेक्ट होता है और कितना वो पॉजिटिवली वर्क करता है? इनहेलर से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सो ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है आम जनता को कि इनहेलर से साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है, एवं इनहेलर्स सही ड्रग है एस्मा को ठीक करने में, और दूसरा टैबलेट्स, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स वगैरह ये सब कुछ ही काम नहीं करता एस्मा के, एस्मा में इनहेलर से काम करता है। इनहेलर्स बहुत तरह के होते हैं, सबको एक जैसे इनहेलर्स नहीं लगता, इनहेलर्स भी मेडिसिन ही है लेकिन इनहेल्ड फॉर्म में दिया जा रहा है, यही डिफरेंस है इनहेलर्स और टैबलेट्स और सिरप में। इनहेलर्स क्योंकि वे डायरेक्ट लंग्स में जाता है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, एक ही मेडिसिन, सेम मेडिसिन समझ लीजिए, सैल्बुटामॉल का कह के एक मेडिसिन है जो आप इनहेल फॉर्म में दे सकते हैं और जो आप टैबलेट या सिरप में भी खा सकते हैं। तो एक बच्चे को एस्मा अटैक हुआ है, आपको सैल्बुटामॉल लगभग 5 मिलीग्राम करके देना पड़ेगा वो एक अटैक संभालने में, लेकिन अगर वो सेम सैल्बुटामॉल आप इनहेल फॉर्म में दो तो 400 या 500 माइक्रोग्राम लगेगा। अच्छा, तो मतलब कम से कम में वो काम असर कर जाएगा। अच्छा, ऐसे मैम इसका अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनहेलर्स को सही नहीं मानते, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, बताइए। ये इनहेलर्स सही नहीं मानते क्योंकि आसपास रोज परोस के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, जो मेडिसिन के बारे में ना जानकारी होकर भी ऐसे कुछ कह जाते हैं जिससे पेरेंट्स या जो पेशेंट इनहेलर्स ले रहे हो वो डर जाते हैं कि ये लेना शायद सेहत के लिए ख़राब है, लेकिन ये ये जो है ये एकदम गलत फहमी है। ये गलत फहमी हटाने के लिए ही ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं जैसे कि गलत फहमी हट जाए। ओके, आपका नेम एंड डेजिग्नेशन प्लीज। मैं डॉक्टर संयुक्त दे, आई एम द क्लिनिकल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स पीएलएस हॉस्पिटल कोलकाता। अच्छा, ये जो इनहेलर्स था ये इसका कोई कंपनीज है जो बेस्ट कंपनी? बेस्ट कंपनी ऐसे हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे कंपनीज हैं जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स इनहेलेशन मेडिसिन्स इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं लो कॉस्ट में।